जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं टॉप 3 डिफेंस अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरी अंत तक देखें। जानते हैं तीसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है DRDO की तरफ से। DRDO ने एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप किया और उसको 18 जनवरी को उसका सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया गया है। और ये जो मिसाइल है इसको हवा से छोड़ा जाता है और ये जब छोड़ने के बाद दुश्मन की जो रडार है और जो सर्वेलांस सिस्टम होता है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। बर्बाद करने का मतलब ये है जो उसमें से रेडिएशन निकलता है उसको ये डाइवर्ट कर देती है और जो दुश्मन की रडार और सर्वेलांस सिस्टम होता है वो हमारे जो लड़ाकू विमान है, जो हमारे जो सिस्टम है उनकी पकड़ नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने भी एक एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है उसको डेवलप कर लिया और उसका सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया। दूसरी डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडिया और रसिया के बीच से। रसिया के एक जो प्राइवेट कंपनी या कहें सरकारी अधिकारी ने जो हथियार बनाती है उसके अधिकारी ने कहा है कि ब्रह्मोस जो डेवलप की है ये भारत ने और रसिया ने संयुक्त तौर पर डेवलप की है। ये एक बेहतरीन नमूना है भारत की और रसिया की दोस्ती को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल है वो भारत के DRDO और रसिया की एक जो फर्म है उसने मिलकर डेवलप की है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन्होंने ये बात कही कि ये भारत और रसिया ये हो सकता है इसको भविष्य में दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल है भारत और रसिया की फ्रेंडशिप का। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। जानते पहली डिफेंस अपडेट निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी 360,000 नई कार्बाइन खरीदने वाली है क्योंकि जो इंडियन आर्मी के पास इस टाइम पे असॉल्ट राइफल और कार्बाइन की काफी कमी चल रही है। तो ये जल्दी से जल्दी खरीदी जाएंगी और आर्मी जल्दी से जल्दी इनके लिए जो बिट या निविदाएं निकालने जा रही है। और हो सकता है इसमें हैकलर एंड कोच कंपनी, FN हस्टल जैसी कंपनियां, सिसवेयर कंपनियां जैसी भी इसमें भाग लें। तो और इसकी जो पहली शर्त होगी वो ये होगी कि ये जो कार्बाइन है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए, मतलब इनको मेड इन इंडिया में ही, मतलब हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ये शर्त होगी इस डील की। तो देखते हैं ये डील कब तक फाइनल होती है। बहुत ही अच्छी खबर है वैसे ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना साथ बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।